एंटीबायोटिक्स की दरियाफ्त के तकरीबन 100 साल हो गए, और जितना एंटीबायोटिक्स ने हम इंसानों को हेल्प किया है ऐसी बीमारियों से जो कि इंसानों को नॉर्मली जो फेटल हुआ करती थी, वो अब इन एंटीबायोटिक्स की वजह से बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट होती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमने यहाँ पर इतनी एंटीबायोटिक्स अब इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं कि जो ये बीमारियाँ हैं और ये जरासीम हैं, उन्होंने एंटीबायोटिक्स के यूज़ से उन्हें पता चल गया है कि ये कैसे काम करती हैं, और वो उन्होंने अपने लिए बैरियर्स अब बना लिए हैं कि वो एंटीबायोटिक्स उन पर असर ना कर सके। इसका हल सबसे पहले तो ये है कि हम एक वादा करें कि हम सिर्फ उस वक्त एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे जब हमें कोई डॉक्टर कहे, ये ना कि हम खुद ही डिसीजन करें, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस बीमारी के लिए सबसे मौजू होती है। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, हमारा स्टाफ नॉर्थ वेस्ट में हमेशा तैयार होता है आप लोगों की एनी इन्फॉर्मेशन विच यू नीड, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल। थैंक यू।